हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ स्पिनिच पालक की भज्जी। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक रेसिपी है, बट कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ बनाओ तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने लिया है पालक, ये एकदम फ्रेश पालक है और हमें सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है। तेल है, बेकिंग सोडा, हींग, बेसन एक कटोरी, चावल आटा 1/4 कटोरी, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, चाट मसाला है। अभी मैंने एक बाउल लिया है, उसमें एक कटोरी बेसन, 1/4 कटोरी चावल का आटा, आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। चावल का आटा मैंने क्रिस्पनेस के लिए डाला है। फिर मैंने डाला है 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून चाट मसाला, 1/2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 स्पून हींग और 1 स्पून अजवाइन। अजवाइन और हींग डालने से डाइजेशन अच्छे से होता है। अजवाइन को क्रश करके डालना है। अब मैं डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और 1 स्पून ऑयल। ऑयल डालने से हमारी भजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। हमारा बैटर परफेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए इसमें हम लोग फिंगर को डिप करेंगे। फिंगर में जितना बैटर लगेगा उतना ही हमारे भजिए में या भज्जी में लगेगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बैटर बनके रेडी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच बेकिंग सोडा, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ पालक के पत्ते डिप करके हमारे बैटर में। एक एक करके मैं पूरे पत्ते डाल रही हूँ और हमें ऊपर नीचे पलटते हुए इन्हें फ्राई करना है। ये पकौड़े बहुत ही जल्दी बनते हैं, ऊपर नीचे पलटते हुए हमें अच्छे से इन्हें फ्राई करना है। डालते समय गैस का फ्लेम हाई था, फिर मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर तल लिया है। ऐसे मैं बाकी सारे पकौड़े भी तल लूँगी। हमारा पकौड़े का बैटर ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना तो ज़्यादा गाढ़ा। पतला रहेगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल सोख लेगा, गाढ़ा रहेगा तो ऊपर से हार्ड बनेगा। ये भजिए या पकोड़े बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। एज ए टी टाइम स्नैक इसे बनाइए और खाइए। इनकेस अगर हम लोग ज़्यादा पकोड़े या भजिए खाएँ तो 1 कप गर्म चाय पिए या 1 ग्लास गर्म पानी पिए, उससे डाइजेशन अच्छे से होगा। के पकोड़े का एक और रेसिपी मैंने बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हमारे टेस्टी पालक भज्जी बनके रेडी है। इसे मैंने सर्व किया टमाटो सॉस के साथ। आप भी इसे बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।